just wanna be happy, happy tonight. नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एवी एंथी में आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने एक से डेढ़ महीने पहले लिया था आईफोन 12 प्रो, जो कि आपकी अनबॉक्सिंग आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, और बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसा लगा, खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फोन का एक एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस मुझे कैसा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं क्या क्या आईफोन्स में। सो आईफोन ये दावा करता है, आईफोन ये क्लेम करता है कि आईफोन का जो फ्रंट ग्लास है वो सिरेमिक शील्ड का है, जो कि बहुत ही टफेस्ट ग्लास है। एक्चुअली हमने टेस्ट करके तो देखा नहीं, बट हाँ, काफी टफ ग्लास आईफोन माना जाता है। बात करते हैं अभी इसके साइड बॉर्डर की, तो साइड बॉर्डर हमें एल्यूमिनियम की देखने को मिल जाती है। तो आईफोन बेसिकली 100 यूज, आईफोन 12 प्रो 100 यूज अच्छा है। और दूसरी बात ये कि अगर आप आईफोन विदाउट कवर यूज करते हो, जो हाथों में रैशेस थोड़े बहुत पड़ सकते हैं, इचिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि आईफोन के जो ये एकदम शार्प एज डिस्प्ले है, बहुत शार्प एजेस जो है बहुत ही शार्प लग रहे हैं। सो ये है बेसिकली कुछ ओवरव्यू। अभी बात करते हैं हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के बारे में। सो अभी सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, इसका अपडेटेड वर्जन 14.2 चल रहा है, और आईफोन ये दावा करता है कि ये फोन जो है दुनिया का फास्टेस्ट फोन माना गया है। बिकॉज भी इसमें जो A14 बायोनिक चिपसेट का जो चिपसेट हमें मिला है, बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से आ जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली बात ये कि आईफोन जब स्टार्ट हुए थे, तो वहां पर 3G फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था, जो कि 3G था। वहां से ही इंटरनेट की, शायद मेरे हिसाब से वहां से इंटरनेट की पहचान चालू हो चुकी है। बट अभी आईफोन 5G है, जो बहुत ही फास्ट स्पीड देने वाला है, और इंडिया में लगभग तो 5G अभी तक आया नहीं, बट जल्द से जल्द 5G भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो 5G की बात बहुत ही अलग है। और दूसरी की ये बात, जो कि आईफोन XS सीरीज से चालू हुए थे, वो कि जब हम यूज करते हैं आईफोन, तो हमें लगता है हमारा दो सिम कार्ड रहता है, बट हम बेसिकली आईफोन में एक ही सिम कार्ड रखते थे। बट अभी यहाँ पर ई सिम का जो सपोर्ट हमें मिल जाता है, बहुत ही फास्ट ई सिम उसमें वर्क कर लेता है। और मुझे बेसिकली जब मैं 11 प्रो या समथिंग यूज कर रहा था, तब मुझे ई सिम का प्रॉब्लम आया था, जो कि एकदम फास्ट नहीं चल रहा था। बट इसमें ई सिम काफी अपग्रेड हो चुका है, और ई सिम काफी हद तक फास्ट में चलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले। और जहाँ पर जो नाइट विजन में जो फोन अनलॉक लॉक हो जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बस आपको कुछ नहीं, आपको स्वाइप अप करना है और फोन अनलॉक। सो ये काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। आईफोन लॉक अनलॉक जो सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ही फास्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर बात करते हैं इसमें, तो हमें काफी अच्छी खासी तगड़ी फास्ट स्पीड वाली इंटरनेट जो कनेक्टिविटी इसमें मिल जाती है। फिलहाल तो मैं अभी इसमें एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूँ, तो एयरटेल 4G बहुत ही हाई स्पीड मुझे तगड़ा दे रहा है, और ना कि अब तक मुझे इश्यू आया कि बहुत ही स्लो नेट चल रहा है, या बहुत ही, या फिर बफरिंग करते हो, बफरिंग भी क्या कुछ इश्यू ही नहीं है। और एक अच्छी खासी बात, जो एप्पल ने इसमें 5G बैंड दिया है, उसके मुताबिक आईफोन का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी हद तक तगड़ी हो चुकी है, काफी अच्छी खासी फास्ट भी हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं अगर इसके साउंड सिस्टम की, तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, जो कि काफी हद तक एक सराउंडिंग सा आवाज हमें, जो सराउंडिंग सा साउंड जो हमें इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ये काफी इंप्रेसिव चीज आईफोन ने दी गई है। क्योंकि ड्यूल स्पीकर का और एप्पल के स्पेशली, सो बहुत ही अलग एक टाइप का उसमें फील आ जाता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं कैमरा की, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीस्कोपिक मोड। सो दोस्तों, यहाँ पर जो मेगापिक्सल्स है वो 12 मेगापिक्सल के तीन कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बेसिकली अच्छी बात है, यहाँ पर जो हमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है, 4K प्लस 60 FPS के साथ में मिल जाती है। और नाइट मोड की अगर बात करूँ स्पेशल, तो नाइट मोड में बहुत ही अच्छे क्लियरिटी के साथ में फोटो हमें मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट फोटो भी हमें इसमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और आईफोन इज द बेस्ट फॉर कैमरा।
दोस्तों अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, सो यहाँ पर जो हमें प्रोसेसर मिल जाता है तो A14 माइनर चिपसेट जो मिल जाता है, सो उसमें हमको गेमिंग का कोई भी इशू नहीं आता है। गेम बहुत ही स्मूथ और फास्ट चलती है। हम पबजी तो नहीं खेलते बट फिर भी जो कुछ है बहुत ही फास्ट इसमें चल जाता है गेम और विदाउट एनी लैगिंग का। सो आई थिंक मैं जहाँ तक गेमिंग खेलता था तो मुझे हीटिंग का प्रॉब्लम भी इसमें नहीं मिला। सो मेरे लिए गेमिंग के हिसाब से फोन काफी बेहतरीन है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 6.1 इंचेस का सुपर HDR रेटिना डिस्प्ले। सो ब्राइटनेस जो है इसका 1200 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें इसमें देखने को मिल जाता है और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिल जाता है, यानी विदाउट लैगिंग। सो दोस्तों अभी बताना चाहता हूँ आपको एक मेजर कॉन जो कि हर एक आईफोन में बेसिकली देखने को ही मिल जाता है, सबसे वर्स्ट कहेंगे हम उसे, जो कि है बैटरी इशू। दिन में दो बार करीब मुझे चार्ज करना ही करना पड़ता है, अदरवाइज फोन बैटरी बैकअप नहीं देता, क्योंकि आईफोन है वो तो होने ही वाला है, बैटरी बैकअप भी बहुत कम मिल जाता है। सो दिन भर में मुझे दो बार चार्ज करना ही पड़ता है। सो दोस्तों अभी बेसिकली जो इसका फाइनल रिव्यू टेस्ट जो जिस पर आता है वो बेसिकली इसका हाईलाइट फीचर जो कि मैक सेफ चार्जर। एक्चुअली यहाँ पर पीछे मैग्नेट्स लगे हुए हैं तो मैक सेफ टोटली फास्ट और फिक्स बैठ जाता है और काफी हद तक वो फास्ट चार्जिंग भी करने लगता है। तो अभी जो हमारे पास अभी तक तो मैक्सेफ आया नहीं है, बट जब भी हमारे पास मैक्सेफ चार्जर पहुंच जाता है हम उसका भी अनबॉक्सिंग आपको आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो बेसिकली फोन काफी अच्छा खासा मुझे लगा है, काफी अच्छा खासा ओवरव्यू तो है, बट सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है जो कि बैटरी बैकअप इशू। वो तो आईफोन में हर एक आईफोन में ही आता है, अगर एक ब्रांड है तो उसके हाथ में कुछ प्रोस एंड कॉन्स तो होगी होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बेसिकली आईफोन 12 प्रो का रिव्यू। अगर आपको भी वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपको भी आईफोन लेना है, आप भी कौन सा आईफोन लेने वाले, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो बेसिकली आईफोन तो सबसे अच्छा है ही है, बट एक ही उसका जो कॉन है वो एक ही है जो कि है बैटरी इशू। तो दोस्तों आईफोन में बेसिकली बैटरी के इशू आते ही रहते हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द से जल्द अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।